परिचय करवा दे। हमारे साथ हरिश्चंद्र जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हैं, इसके अलावा प्रियंका जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देते हैं उनका भी। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं, और सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी बधाई आपको कि गठबंधन में है आप लोग और 17 सीट आप लोगों को मिला। 3 की डिमांड कर रही थी, हो सकता था कि 20 भी होता तो लड़ाई अच्छी होती, लेकिन 17 पर ही मान गया, ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, मुझे लगता है अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जो है नीतीश जी से समझौता कर लिया, उनकी क्या मजबूरी थी कि यहाँ जयंत जी जो आपस में जो है एक दूसरे के विचारधारा को भी नहीं कभी मैच करते हैं कि उनसे समझौता कर लिया, तो सवाल तो मुझे लग रहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। और आज जो गठबंधन का मुद्दा है वो पूरी तरह से उस पर विराम लग गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 63 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। और मुद्दा क्या है, ये जो चुनाव है वो असलियत में उन मुद्दों का चुनाव होगा। इस देश में जो भ्रष्टाचार फैला है, बेरोजगारी फैली है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक किसान को भी 22 साल का उसको गोली लग चुकी है, 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और इसकी आप हास्यास्पद देखिए कि इसके साथ वार्तालाप भी चल रहा है और उस वार्तालाप का क्या अंजाम नहीं, होने वाला है हमें उसका सीट भगवान ही शेयरिंग और जाने। जरा समझा दीजिए, सीट शेयरिंग का तो फॉर्मूला तय हो गया, बीजेपी को हराने का बिल्कुल तय फॉर्मूला हो भी तो गया। बता दीजिए आप। मैं वही आपको बता रही हूँ राहुल जी कि ये चुनाव इस बार देश की जनता और उनके मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में महंगाई चरम पर है। जिन गारंटियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो गारंटियां कहाँ है? रोजगार को लेकर आज कहीं मुंह छुपाए फिरती है। 10 साल के कार्यकाल बताने में असमर्थ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अगर जो यूपीए की तुलना की जाए 10 सालों से, तो कहीं पूरी तरह से जो है तो आपको लौट आना समझ चाहिए में आ था जाएगा 5 साल कि में ही, किस 19 तरह के की चुनाव में तो फिर यूपी की सरकार बिल्कुल उसको होना चाहिए। और INDIA मुझे में लगता तब्दील है नहीं कि होना जो चाहिए था, नहीं, लौट जो आना मुद्दे चाहिए हैं, जो था। अन्याय के मुद्दे हैं, बिल्कुल अभिषेक लौटेंगे। जी बड़ा दिल समय दिखाया आ गया अखिलेश है यादव ने, इंडिया 17 सीट गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस की झोली में डाल दी, बहुत बड़ा दिल। धन्यवाद राहुल जी। पहली चीज तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो हम इंडिया गठबंधन वालों का हौसला अफजाई करते, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम। क्योंकि आपने इतना कटाक्ष भरा शब्द इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि एक लाइन तो बनती ही नहीं, बनती है कि कटाक्ष कहाँ दुनिया किया में मैंने, इतने, अरे आपने तो बहुत सारे कटाक्ष कर दिए, मैंने आपने क्या, प्रियंका मैंने जी तो के लिए बधाई दी प्रियंका जी को 17 सीट मिलने पर, आपको वो बताया बधाई कि आपकी की पार्टी और अखिलेश यादव का वो बड़ा दिल बधाई है, इसमें कटाक्ष वो कहाँ नजर बधाई आ रहा है? आपने किस रूप में दी है वो सबको पता है। यहाँ पे हम मैं लोग अब बधाई भी ना राजनीतिक लोग हैं तो दूं हम, और आपकी बड़ाई भी ना करूं, मैं करूं क्या? अरे आप हम लोगों को पर कटाक्ष ही कीजिए, वही बहुत है। मैं कहाँ कटाक्ष कर रहा हूं, मैं तो बधाई कांग्रेस को और बड़ा दिल दिखाने के लिए आपने एक आप लोगों शब्द का को इस्तेमाल किया शुक्रिया। राहुल भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि झोली में डाल दिया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया पत्रकारिता कि का झोली शब्द में है, डाल दिया, झोली में तो डाल दिया। यहां पे कोई भीख मांगने के लिए नहीं उतरा हुआ है। एक दूसरे से परामर्श होकर के, एक दूसरे की चीजों को समझते हुए, जिसका जैसा जनाधार है उसके हिसाब से हम लोगों ने आगे की रणनीति बनाई है, उसको बांटा हुआ है। तो इसीलिए मैं छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चीजें होती हैं कि दुनिया में इतने जुर्म नहीं जितनी लड़ने की आदत है, दुनिया में इतने जुर्म नहीं जितनी लड़ने की आदत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहरे हैं, कितने कंकड़ फेंकोगे, जितने कंकड़ फेंकोगे चुन चुन कर आगे राह बढ़ाएंगे। तो बड़ी साधारण सी चीज है। अभी आपने प्रियंका जी से बड़ी साधारण सी बात पूछी तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये तो जब मुद्दों की बात आती है तो हमारे तो पास तो मुद्दों के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिसमें 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। उसमें वो देखना चाहिए था हमको कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एडवर्टीजमेंट के तौर पे बताए कि वो 205 लाख करोड़ कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए था कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे आदर्श, या किन किन लोगों के ऊपर, चाहे महाराष्ट्र से कैसे भी कैसे लोगों के ऊपर, वो आज किसके खेमे में फिर बैठे हुए आपको हैं। तब तीसरी बात और ज्यादा राहुल जी, सीट दे पूरी देनी बात समझा चाहिए थी लीजिए। कांग्रेस को, जब जीत अपना आप लोग तय करके बैठे हैं कि हर सीट पर कांग्रेस जीतेगी, हर सीट पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, सहयोगी जीत लेंगे,
तो फिर हमें नहीं लगता। यही तो दम होता है, यही दम है कि हम हर एक सीट पे मांग करके चलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी ऐसा प्रश्न पूछा? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप हम दोनों लोगों से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी भी है कि आप सत्ताधारी पार्टी से प्रश्न ही नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है, और हरिश्चंद्र हम लोग जी, डट करके जवाब देते हैं, हम हरिश्चंद्र लोग डट जी, करके दो मुद्दों की लड़के बात करते करेंगे हैं। कमाल, और यूपी में बीजेपी का बुरा हाल ये तय माना जा रहा है, बुरा हाल होने वाला है। 17 में भी लड़े थे, इसीलिए 17 सीट दे दी गई, हमें लग रहा है। नहीं, अभी हमारे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे कि हम समुद्र से भी गहरे हैं। मुझे लगता है कि ये चिरकुट जैसे शब्द समुद्र की गहराई से ही निकले, और अखिलेश अखिलेश जैसे भी शब्द उसी गहराई से निकले। जो लोग कमाल करने की रास्ते में जा रहे हैं, वो पब्लिक जनता जनार्दन को ये ना समझे कि जनता जनार्दन ये बातें नहीं सुनती, या ये जो एक दूसरे के प्रति खींचतान होती थी उसको नहीं सुनती अच्छा है। इसलिए ये वो भी पूछिए कहते कि थे कि बिहार में बचो एक दूसरे को ये गठबंधन क्या है। कह रहे थे, एक दूसरे की आरती उतार रहे थे बिहार में आप लोग? प्रियंका जी जरा हमारी बात सुन लीजिए, फिर अपनी टर्न वक्त आएगा कम तो है आपको। प्रियंका जी, जवाब प्रियंका देते जी वक्त कम है, चलिए, बोलने तो जवाब दीजिए। देते चलिए हरीश जी, जवाब देने में क्या जवाब कोताही कर रहे जवाब हैं? वही तो पूछा, जब मैं लड़के कमाल आपको नहीं, आप करेंगे सत्ता और में बैठे बीजेपी का हैं, बुरा हाल सवाल होने है वाला तो है। आपको जवाब देने जब होंगे। मैं तो कमाल कर आपके रहे, साथ हूँ जवाब प्रियंका जी, दीजिए। यूपी का जब बीजेपी, कमाल कर रहे थे, यूपी क्या में बीजेपी देते का हैं बुरा हाल भारतीय? होगा, दो लड़के क्योंकि जरा कमाल ये तो करेंगे। जब कमाल अपमान कर कर रहे रहे थे थे आप लोग, तो 6% वोट कांग्रेस को पार्टी को मिले थे। जब ये कमाल कर रहे थे, 6% वोट इनको अरे मिले थे पूछिए, और अरे पंद्रह भाई परसेंट आप उनको बिहार की मिले थे। बात पे देखिए, देखिए कैसे पलटी और मार गए नहीं नहीं बिहार की अरे बात पे। इसको बिहार कहते को हैं उत्तर पलटू प्रदेश जैसी यूपी की बात बात कीजिए करने ना, बैठे आप, बिहार चली गई उत्तर प्रियंका प्रदेश में जी, समझौता हुआ है अरे आपका समझौता ये हुआ। यूपी उत्तर की बात प्रदेश कर लेते हैं हरिश्चंद्र जी, प्रियंका यूपी जी, की बात कर प्रियंका लेते हैं। जी, अगर यूपी की बात करनी है तो मैं यूपी की बात बता देता हूँ। हाँ इसी घोसी भाई, उपचुनाव में आपके सिर्फ नहीं, ये अमित चुनाव शाह जी और देश का मोदी जी को चुनाव छोड़ है, करके और पूरी भारतीय जवाबदेही जनता पार्टी बनती है आकर के देश लड़ने में, लगी डबल थी, इंजन की इसीलिए सरकार। तो क्या कह रहे हुकुम हैं हुआ? हरिश्चंद्र जी को देखिए चिता रहे हैं देखिए आप लोगों के साथ, देखिए मैं भी बता रहा हूं कि दो लड़के कमाल करने वाले हैं और यूपी में बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का, यही बात है अभिषेक ना जी अभिषेक जी, यही तो सवाल कर रहा हूं मैं। जी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छा एक कार्यकर्ता लड़ता है। ऐसी क्या मजाक ऐसी कर रहे हैं आप? लोकतांत्रिक दल है जहां पे सिर्फ ये तानाशाही सामंतवादी चलती है, है, चंडी ये कर रहे कि ऐसी लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र है, है आपके लोकतंत्र यहाँ की पे बातें परिवार आपके कि जहां पे बिहार में सिर्फ कर रहे हैं, तानाशाही असली चलती है, लोकतंत्र या तो की चलेगी बातें कुटुंबे की हैं, पार्टी। असली आपको लोकतंत्र ना, परिवार मैं का काम हो कुनबा रही हूँ, आपको मैं जो याद ये है सोच रहा ना, हूँ सुरक्षा पे अनुराग काम ठाकुर मैंने के बारे कहा में मैं कुनबा बताइए, करके बैठे वसुंधरा आते हैं राज आप लोग, शिंदे के ये बारे में आप मैं इसको बताइए। समझ नहीं उनकी पा रहा पार्टी हूँ। नहीं आप है ना, इन्हीं के बेटे पंकज सिंह सिंह उनकी को पार्टी बताइए, नहीं है, कौन से उनकी परिवार पार्टी की बात नहीं है, करेंगे? पार्टी नहीं है। मैं लेकिन बता रहा हूँ कि एक चीज पंकज एक सिंह चीज ये बता दीजिए, अभिषेक इनको वाजपेयी जी, कहाँ, सबसे राहुल नए को हैं ये लोग, गंभीरता से जिनका नहीं क्या लिया अखिलेश ने, दुनिया लेकिन के प्रियंका को गंभीरता से क्यों ले लिया? कांग्रेस से पत्ता नहीं हिलता। और अखिलेश जी ये गठबंधन आपका देखिए बहुत मजबूत है, राहुल जी, अब हम भी कहते राहुल जी हैं, देखिए लेकिन बड़ी लेकिन साधारण सी चीज है, हर एक लेकिन व्यक्ति गंभीर है, हम सीटों के लिए हर एक व्यक्ति शर्तों के से बात साथ क्या करते आप हैं, हर एक कर्जा चीजों के लिए मिलोगे? बात करते हैं, प्रियंका को गंभीरता से शर्तों लिया, के राहुल साथ को क्या गंभीरता यात्रा से लिया ही मिलोगे? नहीं। नहीं या देखिए राहुल जी, ऐसा नहीं, प्रश्न आप आप ये कह सकते बताइए कि हैं? राहुल हम जी तो और देखिए प्रियंका जी आपके कोई अलग प्रश्न को अलग है क्या? गंभीरता से ले रहे हैं, राहुल जी हम ये तो तो हर एक सवाल व्यक्ति ही को गंभीरता से बेबुनियाद लेते है। हैं और आदरणीय क्यों कह राहुल रही है माधव प्रियंका को जी इनवाइट बेबुनियाद करनी है है? क्या? क्यों कह रही नहीं, अब क्या बेबुनियाद है? कांग्रेस, क्योंकि जब नहीं, कांग्रेस प्रियंका बीच पार्टी में को आई इनवाइट तभी करनी जाकर है ये क्या? फॉर्मूला सेट ये हुआ, सवाल तभी ये बेबुनियाद है अधिकारी राहुल जी। घोषणा हुई। अब मानिए या ना मानिए हरिश्चंद्र अरे जी, राहुल जी, राहुल देखिए ऐसा है राहुल ना, गांधी की अब बात तो ये नहीं सुनी अब गई, लेकिन नहीं, प्रियंका की बात नहीं तुरंत अखिलेश सुन लेते मुद्दा हैं। ये नहीं, राहुल देखिए जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पे आए थे, उन्होंने अरे हरीश असेसमेंट जी, किया जमीन पे कहाँ खड़े हरीश हैं, जी अपनी और पार्टी फिर में ये देखिए आनंद ना क्या फानंद में होता है। समझौता हुा। 17 उन पार्टी तो भ्रष्टाचारियों को जब 17 शामिल सीटें करते थे तो तो किसने पूछ समाजवादी लिया था? पार्टी पहले प्रधानमंत्री जी देने को कह रहे पता नहीं थे। था क्या कि ये आखिर जी भ्रष्टाचारी है? लेकिन बहस आज लंबी खिंच हरिश्चंद्र जी सकती, अपनी लेकिन पार्टी वक्त को की तो कमी ज्वाइन है, कराते माफी के हैं, साथ धरती आप पे तीनों को उतरे। रोकना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद। दो टूक में जुड़ने के लिए जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, 17 पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीट पर समाजवादी पार्टी। सवाल यह है कि फॉर्मूला तो सेट हो गया सीट शेयरिंग का, लेकिन बीजेपी को हराने का जो सपना देखा जा रहा है उसका फॉर्मूला कब सेट होगा? सवाल यह भी कि अब तक राहुल की बातों को दरकिनार क्यों कर रहे थे अखिलेश यादव? जो अंदर खाने खबर है कि प्रियंका की बात सुनी गई है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई दो लड़के कमाल करेंगे या फिर यूपी में 17 वाला हाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होने जा रहा है? दो टूक में इतना ही।